ऑल राइट वे बैक फैमिली। सो आपको पता है यहाँ पर आज डे टू है गो फेस्ट का, एंड आज आपको यहाँ पर 37 लेजेंडरी पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं, एंड उनमें से आप जिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, एंड नो डाउट आप जिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो होंगे डियाल्गा एंड पालकिया, क्योंकि वही सबसे मेन लेजेंडरी हैं। और भी हैं लेकिन हाँ, हो सकता है आप इन पर ज़्यादा फोकस करें, एंड बहुत से सारे ट्रेनर्स ऐसे भी होंगे जिनके पास ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत कम बार रेड्स में आ चुके हैं। तो मैं बता दूँ आप सभी को, एक वार्निंग देना चाहूँगा, आप फोकस कर रहे हैं लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा आप ज़्यादा रेड पास इन पर यूज़ मत करना। मिनिमम आप या दो या तीन कैच कर सकते हैं इन्हें, अगर हो सके और उससे कम कर सकें, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा अनलॉक 1 एंड अल्ट्रा अनलॉक 2 की यहाँ पर डिटेल्स आना बाकी हैं, एंड उसमें हाई चांसेस हैं कि आपको डियाल्गा एंड पालकिया देखने को मिल जाए रेड्स में, एंड शाइनी वेरिएंट भी उन्हें देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि हमें उनमें डियाल्गा एंड पालकिया देखने को मिल जाए। अगर नहीं भी मिलते हैं तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पर दो या तीन कैच कर लें, लेकिन हाई चांसेस है, इस वजह से आप ज़्यादा भी रेड पास उन पर यूज़ मत करना। ऐसा मत सोचना कि वो कभी रेड्स में, इस ईयर यहाँ पर रेड्स में आएंगे ही नहीं, तो आप ज़्यादा कैच करें ओके। उन पर रेड पास सेव करके आप हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं, या तो रिमोट रेड पास या फिर कहूँ तो अदर लेजेंडरी पर यूज़ कर सकते हैं। फोकस करना लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं ओके गाइस, एंड मैं लाइव आ रहा हूँ बहुत जल्द आप सबके साथ में, इन्जॉय करते हैं।